सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट एप्लीकेशन के डिज़ाइन टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। इसमें हम सीखेंगे पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड ब्लॉक के बारे में। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिगेस्ट बेल को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन टैब में आपको 3 ब्लॉक मिलेंगे, पेज सेटअप, थीम्स ब्लॉक और बैकग्राउंड ब्लॉक। तो बारी बारी से हम इन तीनों ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला ब्लॉक है पेज सेटअप। इसमें आपके इस स्लाइड के सेटअप को चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है पेज सेटअप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज सेटअप का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हमारा है स्लाइड साइज 4, विड्थ, हाइट, नंबर स्लाइड फ्रॉम, ओरिएंटेशन में स्लाइड को आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो हमारा ये स्लाइड होता है वो लैंडस्केप में होता है और इसमें जो हम डेटा फीड करते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में फिट होता है। इसमें आपका स्लाइड साइज दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट रूप से ये ऑन स्क्रीन शो 4:3 पर सिलेक्ट रहता है। इसमें आपको काफ़ी सारे साइज मिलेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो ऑन स्क्रीन शो 4:3, इसका हम यूज़ कैसे देखेंगे कि ये आखिर साइज हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस स्लाइड शो को प्ले कराना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम ऑन स्क्रीन शो 4:3 पर सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक करते हैं और उसके बाद F5 बटन से स्लाइड को प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फुल मोड में स्लाइड नहीं आया है, स्लाइड का साइज इतने ही दूर में। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जो पीसी या लैपटॉप है वो पूरे फुल स्क्रीन में हमारा स्लाइड शो करे तो आप इसके लिए स्लाइड के साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर पेज सेटअप में ऑन स्क्रीन 16:9 का रेशियो पर क्लिक कर ओके पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा स्लाइड शो का साइज फिर से चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको F5 बटन प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फुल स्क्रीन मोड में आ गया है। इस तरह से आपने सीखा अपने स्लाइड के साइज को कम या ज़्यादा करना, अपने स्लाइड के साइज को चेंज करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड ओरिएंटेशन। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसा कि मैंने बता दिया है कि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट रूप से लैंडस्केप मोड सिलेक्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्लाइड को पोर्ट्रेट मोड में करना तो आप यहाँ से क्लिक कर इसे पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है थीम ब्लॉक। इसमें आप सीखेंगे अपने स्लाइड के थीम को चेंज करना। तो सबसे पहले मैं कुछ स्लाइड को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 5 स्लाइड को इंसर्ट कर लिया है। अब मैं आपको थीम ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। इसमें मैं किसी भी थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे आप बेसिकली अपने स्लाइड के थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस थीम को सिलेक्ट किया तो हमारा पहला स्लाइड कुछ इस तरह, सेकेंड स्लाइड इस तरह और 4th, 5th स्लाइड कुछ इस तरह है। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्लाइड का ये जो कलर है आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने स्लाइड के कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप जब आपने यहाँ से कलर को चेंज किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा सारे स्लाइड का कलर चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं कोई सिलेक्टेड स्लाइड का ही कलर चेंज हो तो इसके लिए आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर थीम्स वाले ऑप्शन में जाकर अपने माउस का राइट की प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा पहला स्लाइड जैसे था उसी तरह, 3rd, 4th सारा उसी तरह है, लेकिन हमने सेकेंड स्लाइड को किसी दूसरे थीम में चेंज किया तो यहाँ पर आपको दूसरा थीम शो कर रहा है। इसी तरह आप किसी भी थीम में सारे स्लाइड को सिलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने सीखा थीम ब्लॉक के बारे में। इसमें आपको और 3 ऑप्शंस मिलेंगे। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कलर। अगर आप अपने थीम के कलर को चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अभी थीम के कलर को चेंज कर दिया, उसी तरह अगर आप इसमें भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है फॉन्ट। इसमें आपको काफ़ी सारे फॉन्ट के स्टाइल मिलेंगे।
आप जिस भी स्टाइल में अपने फॉन्ट को लिखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे ऑप्शन है इफेक्ट। इफेक्ट ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आप कोई 3D शेप को अपने स्लाइड में इंसर्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड ब्लॉक। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल यानी अगर आप इस स्लाइड के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे कलर शो करेंगे। आप जिस भी कलर को अपने स्लाइड के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लगा सकते हैं, या यहां पे आप क्लिक कर इसे किसी कलर को क्रिएट कर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे सॉलिड फिट, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, आपको ये शो कर रहा है ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ, इसे हम ग्राफिक्स कहते हैं। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम अभी ग्रेडियंट फिटिंग कर और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगर आप इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आप इस ग्राफिक्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्ट कर इसे हाइड कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप किसी दूसरे स्लाइड पे भी ग्राफिक्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से इसे इस ऑप्शन पर चेक लगाकर ग्राफिक्स को हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा डिज़ाइन ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।